हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ एसकेट अग्रवाल, और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए वापस से अपने एक न्यू पार्ट लेके आए हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट बायोलॉजी का, और डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो बेसिक टर्म्स है उन सभी टर्म्स के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज अपन बात करेंगे देखो पार्ट सेकेंड की, ठीक है। ठीक, डेवलपमेंट बायोलॉजी में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है, पहली चीज कि वो सभी टर्म्स आपको याद होने जरूरी है, या फिर अपन जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको बेसिक अच्छे से आपको आता है तो आप पूरा टॉपिक है वो आगे आराम से आप समझ पाओगे। तो अपन सबसे पहले बेसिक को लेकर चलते हैं। देखो कुछ टर्म्स आते हैं, मैंने आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जब भी डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट होती है, या फिर अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में बताई थी आपको कि लाइफ के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर लाइक एज गैमेट, फॉर्मेशन से स्टार्ट होकर कहां तक चलता है डेवलपमेंट, तो चलता है आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ तक उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चलता रहता है, किसी भी रूप में चलता रहता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स जो हैं ठीक है, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सबसे पहला टर्म तो मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है कि एक गैमिट्स होते हैं, ठीक है ना, गैमिट्स। गैमिट सिंगल सेल होते हैं, और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, और दूसरा गैमिट भी कैसा है, हैप्लोइड है। एक कैसा है, फीमेल है, तो दूसरा कैसा है, मेल है। दोनों गैमेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद दोनों का क्या है यहां पर, फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बना है, जायगोट बना है। तो ये कैसा होगा, 2n। ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। ये भी कैसा है, यूनिसेल्यूलर है, यहां से लाइफ का ओरिजिन क्या होता है, स्टार्ट होता है। जायगोट एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्या होती है, इसमें कैपेसिटी होती है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में ये जो स्टेप्स चलती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक की, तो इसमें जायगोट का जो डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन होता है, सबसे पहले अपन देखें तो इनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है कि सेल जो है उनकी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल क्या होती है, बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं अपने कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। सिमिलर काइंड ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है या एक जैसी सेल्स होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उसका टिश्यू बना लेती है। टिश्यू हमेशा कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, सीधी सी बात है। अब अपन क्या करते हैं, टिश्यू की जो सेल्स है यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे ये क्या है, टिश्यू है,
टिश्यू की सेल्स और आगे डिफरेंशिएट होती है। तो ये सेल्स जो है वो आगे बना के क्या बनाती है, एक अलग अलग टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सेल्स आगे क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। तो इसमें एक पर्टिकुलर कुछ इस प्रकार से कुछ क्या बनाते हैं, ये कोई भी ऐसे मान लो आप क्या बना लेते हैं, ये ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है ना। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टिश्यू आपस में मिलकर क्या होते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं, तो टिश्यू के डिफरेंशिएट होने और उनके विशेष फंक्शनल होने के बाद वो एक ऑर्गन का सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये सभी ऑर्गन किसमें होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सभी ऑर्गन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो उससे क्या बनेगा, कंप्लीट बॉडी। इन्होंने क्या बना लिया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिया है। यहां तक समझ में आ गया आप सब लोगों, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको सभी को बताई है, चाहे आप किसी भी लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सभी चीजें मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट की है। भाई ये चीजें आपके सामने है, इनमें से कौन सी चीजें आपके सबके सामने कुछ फेस हुई हुई। सबसे पहले तो अपन देखते हैं सेल की यहां पर इंक्रीजमेंट हुई है, ये हुई है वो, ये सभी चीजें किसमें कर सकते हैं अपन। पहला पॉइंट आपका आ जाएगा ग्रोथ। पहला पॉइंट कौन सा जाएगा, ग्रोथ। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब निर्माण होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसमें पहली स्टेप्स कौन सी आती है, तो यहां पर उसकी ग्रोथ होती है। सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता है तो सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, सेल के नंबर बढ़ने के कारण से वहां पर टिश्यूज बनते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, ग्रोथ आएगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो टिश्यू जो बनाया है, ये सभी टिश्यू की सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। उसे अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक क्रम आएगा, सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएशन। मैंने आपको अभी बता दिया, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्म ए विशेष टाइप का फंक्शन या परफॉर्म ए स्पेशल टाइप का फंक्शन, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि कोई भी सेल्स है वो अपने फंक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक हो गई है, वो उसी टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर पाती है, तो वो अपने काम के प्रति कैसी है, डिफरेंशिएट हो चुकी है, विभेदित हो चुकी है वो अपने काम के प्रति, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंशिएट होती है वैसे वैसे ये सेल्स क्या बना लेती है, अलग अलग ऑर्गन बनाने लगती है। और जब ऑर्गन बनता है तो प्रत्येक, अपन सभी जानते हैं, प्रत्येक ऑर्गन का सेम शेप और साइज नहीं होती है। जैसे हम अपन बात कर रहे हैं कि अपने जो ऑर्गन है, अपने हाथ है, अपने पैर है, अपने नाक कान आंखें हैं, सबकी शेप सेम थोड़ी है। दोनों आंखों की सेम है, दोनों कानों की सेम है, हाथों की सेम है, पैरों की सेम है, लेकिन हाथ और पैर के सेम नहीं हो सकती, नाक और आंख की सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रत्येक ऑर्गन जब बनता है तो उनमें ऐसा क्या होता है कि उनकी सभी की शेप एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें, ऑर्गन जब बनता है तो उनकी क्या होती है, स्पेसिफिक शेप एंड साइज होती है। और ये कैसे होता है, तो यहां पे टर्म आता है मोर्फोजेनेसिस। कि किसी भी ऑर्गन को किसी पर्टिकुलर शेप और साइज के अकॉर्डिंग डेवलप करना, उसे ही अपन क्या कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो अगली स्टेप कौन सी आ जाएगी, मोर्फोजेनेसिस आ जाएगी। तो यहां पर अपन कह सकते हैं थर्ड स्टेप
मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस का मतलब है किसी पर्टिकुलर फॉर्म का पैटर्न डिसाइड करना कि ये ऑर्गन कैसा होगा। अंगुलियां हैं, सभी के बीच में गैप है, तो ये पैटर्न है फॉर्मेशन का। इसलिए किसी भी ऑर्गन का जो पैटर्न होता है, सभी ऑर्गन के डेवलप होने के अलग अलग पैटर्न होते हैं, किसी की शेप कैसी आएगी, किसी की शेप कैसी होती है, तो ये कौन डिसाइड करता है उस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न, पैटर्न फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसी मॉर्फोजेनेसिस को कई बार अपन टर्म यूज में लेते हैं, तो यहां पर एक टर्म यूज में आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। एक टर्म आ जाता है किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से भी अपने से जान सकते हैं। ये टर्म कहीं ना कहीं हमेशा हर चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक टर्म्स हैं। ग्रोथ का तो मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी आपको बना चुका हूं कि ग्रोथ क्या चीज है। ग्रोथ है नंबर इंक्रीज करना, ग्रोथ एक स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेच्योरिटी आती है, वहां पर जाकर उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। और ग्रोथ के अंदर ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, सभी ऑर्गन में अलग अलग ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ग्रोथ कैसी होती है, ऑर्गेनिक अपन कहें ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अपन देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी भी जो सेल्स होती है उन सेल्स में से कुछ सेल्स निकलकर माइग्रेट कर मूवमेंट कर, क्योंकि देखो अपन बात कर रहे हैं एनिमल्स की, एनिमल्स में सेल्स मूवमेंट का एक मेथड होता है या प्रोसेस होती है, इसमें सेल्स क्या करती है, मूवमेंट करती है। सेल्स क्या करती है, माइग्रेट करती है। जबकि प्लांट में अपन देखते हैं तो सेल्स जनरली माइग्रेट नहीं करती है, और माइग्रेट होने के कारण से सेल्स, जैसे मान लो कि एक सेल्स का ग्रुप है यहां पर सेल्स का ग्रुप है, यहां से कुछ सेल्स निकलकर किसी तीसरी जगह पे जाएगी, वहां पर जाकर एक ऑर्गन का डेवलप करेगी, इस प्रकार से। इसके कारण से माइग्रेशन के कारण से प्लांट में माइग्रेशन सेल्स में क्यों नहीं होता है, मूवमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में सभी सेल्स आपस में मिडल लेमिला के द्वारा कनेक्टेड रहती है। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन की अपन बात करें, अपवाद स्वरूप प्लांट्स के अंदर भी सेल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है पोलन ग्रेन्स में, जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गेमिट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है, मेल गेमिट्स की जो सेल्स होती है, गेमिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं पोलन ट्यूब के अंदर से मूवमेंट करते हुए जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम के आयन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मूवमेंट करती है, वहां पर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। जनरली प्लांट्स में सेल्स का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सभी सेल्स डिफरेंशिएट होकर अपना स्पेसिफिक रोल निभाने के लिए कहां पे जाती है, एक अलग ऑर्गन बना लेती है, इस प्रकार से। और ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का, तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है, कि कोई भी सेल्स जो है अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक हो जाए। जैसे मान लो कि यहां पर मैं बता रहा हूं कोई एक स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी टोटिपोटेंट सेल, ऐसी कोई भी पोटेंशियल सेल्स जिसमें किसी भी ऑर्गन के बनाने की कैपेसिटी पाई जाती हो, उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल है किसी भी ऑर्गन को डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। एक तो ये स्पेसिफिक स्टेम सेल होती है, एक होती है ऑर्गन स्पेसिफिक स्टेम सेल, वो केवल उसी ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखती है, तो वो भी स्टेम सेल है, लेकिन वो उस ऑर्गन के स्पेसिफिक स्टेम सेल है, ठीक है। तो ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स में डिवीजन हुआ, उनसे सेल्स बनी, ये सेल ऑर्गन बना लीवर और ये बना किडनी, तो अपना इनमें क्या हुआ है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हुआ है। अपने फंक्शन के प्रति सभी सेल्स, इस टाइप की जो सेल्स है वो यहां आ गई, इस टाइप की परफॉर्म करने वाली सेल्स यहां आ गई। डिफरेंशिएट किस चीज का है, डिफरेंशिएट अपन बात करें कि भाई इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, सेम जीनोम सिस्टम है, सेम जीनोम है, सेम जीन्स है,
फिर भी अलग अलग फंक्शन करने के लिए सेल डिफरेंशिएट क्यों हुई है? इसका मतलब ये डिफरेंशिएट होती है अकॉर्डिंग टू जीनोम, ठीक है ना। ये इनका डिपेंड करता है ऑन डिपेंड ऑन जीनोम, जीनोम पे डिपेंड करता है कि जीनोम में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। विच जीन एक्सप्रेस कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उस ऑर्गन को क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपको, जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रोड्यूस करने वाले, नेफ्रॉन को बनाने वाले जीन्स हैं, वो लिवर में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, इसलिए किडनी में वो ही जीन एक्सप्रेस होते हैं जो किडनी के लिए आवश्यक है। इसका मतलब इनमें सभी में जो सेल्स में जीन एक्सप्रेस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सिमिलर प्रकार के होते हैं। लीवर के अंदर अपन देखें कि लीवर में काफी एंजाइम फंक्शनल होता है, तो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है वो जीन्स कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, सभी लीवर में होते हैं, जबकि नेफ्रॉन बनाने वाले जीन जो है वो लीवर में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये सभी चीज किस पे डिपेंड करता है, जीन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग जीन एक्सप्रेस डिफरेंशिएशन होता है, कौन से जीन कहां एक्सप्रेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट होते जाते हैं आगे जाते जाते, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस की। देखो मॉर्फोजेनेसिस का टर्म भी मैंने आपको बता दिया, ऑर्गन फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्मेशन अपन कह सकते हैं इसको, पैटर्न फॉर्मेशन। सभी सेल्स का ग्रुप कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, सभी सेल्स क्या करती रहती है, कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन के द्वारा कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, लेकिन वो सभी सेल्स इस प्रकार से अरेंज कैसे होती है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन बना देती है। मैं बात कर रहा हूं अपने ऑर्गन पैटर्न की, जैसे अपन बात करें हैंड की, ठीक है, कि हाथ जब बना है अपन, मैं ये कहूं कि सबसे पहले इस प्रकार का हाथ है, ये जो पोर्शन है वो किस प्रकार का, इस प्रकार का है। धीरे धीरे ये जो डिफरेंशिएट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ये पैटर्न जो बन रहा है, यहां की जो सेल्स है वो कहां पे जा रही है, ठीक है, ये सेल्स आगे कहां भी जा रही है, तो यहां पर ये जो डिवीजन होता है वो तो किसके कारण से होता है, माइटोटिक डिवीजन के कारण से। सेल्स की नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन बीच की जो सेल्स जा रही है वो कहां पे जा रही है, धीरे धीरे इसी प्रकार का पैटर्न चलता रहता है। और एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहां पर कुछ इस प्रकार का पोर्शन अपने को देखने को मिलता है, जहां पर अपन कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं, ठीक है, यहां से अपन देख पाते हैं। इसका मतलब ये जो सेल्स है, गैप है, ये गैप किसके कारण से होता है, इसका मतलब अपन कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस के दौरान दो चीजें साथ साथ चलती है, एक तो चलती है माइटोटिक डिवीजन, ये तो चलती चलती है, इसी के जस्ट ऑपोजिट चलती है यहां पर एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। पहले से प्री प्लान होता है कि कौन सी सेल्स की डेथ होने वाली है, यहां पर अपन बात कर रहे हैं मुझे पता है कि इन्हीं सेल्स की डेथ करना है, यहां पर ये किसके द्वारा हो रही है, डेथ की जा रही है एपोप्टोसिस के, यहां पे तो कंटिन्यू चल रही है माइटोसिस, इसलिए डिवाइड होती जा रही है, अंगुलियों की साइज है वो बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन इनके बीच में गैप करना है, यहां पर क्या चल रहा है, एपोप्टोसिस चल रहा है। और एपोप्टोसिस कैसे कहते हैं, प्री प्लांड किसी भी सेल की डेथ की जाती है नेचुरल तरीके से, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आपका एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका मॉर्फोजेनेसिस।
ठीक है, एक टर्म अपन इसमें देखें, अपन देख रहे हैं कि मोर्फोजेनेसिस के दौरान अपन देखते हैं कि जो ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, मोर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान पैटर्न फॉर्मेशन तो होता ही होता है, प्रत्येक सेल जो होती है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग मोर्फोजेनेसिस में जाती है। जैसे हाथ बना दिया तो हाथ का पर्टिकुलर फंक्शन है, अगर मोर्फोजेनेसिस से किसी के पंख बने हैं तो वो उड़ने के लिए स्पेसिफिक है, पैर है चलने के लिए, रेंगने के लिए स्पेसिफिक है। तो वो जो जो भी मोर्फोजेनेसिस से बनता है वो स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब कुछ टर्म्स आते हैं जो अपन देखते हैं यहां पर, जैसे देखें सबसे पहला टर्म अपन देखें, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक टर्म आता है स्पेसिफिकेशन, एक टर्म आता है आपका कमिटमेंट। एक टर्म क्या था आपका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कह सकते हैं, डिटरमिनेशन कह सकते हैं। एक टर्म आता है इनडिटरमिनेशन। ये कुछ टर्म जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, यहां पर अपन देख सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, स्पेसिफिक जो टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कोई भी सेल जिनका फ्यूचर के अंदर जो स्पेसिफिक रोल है वो क्या है, फिक्स है। कोई भी ऐसी सेल जिनका फंक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में फेट जो है वो क्या है, फिक्स होता है। अगर उसका फंक्शन जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर इन्वायरमेंट उनको उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो भी ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिकेशन तो हुआ है लेकिन ये कैसा है, फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरे अपन कमिटमेंट की अपन बात करें तो कमिटमेंट में भी सेम ये चीज है। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी सेल है उसका फ्यूचर के अंदर कौन से ऑर्गन को वो डेवलप करेगी वो उसका क्या है, कमिटमेंट है। स्पेसिफिकेशन और कमिटमेंट लगभग टर्म्स जो है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और दोनों में क्या होता है, दोनों ही स्टेप वो रिवर्सिबल हो सकती है अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यदि कैसा हो, चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, कमिटमेंट भी कैसी होती है, रिवर्सिबल चेंजेस है। इसमें भी क्या होते हैं, इनके जो फैट हैं वो चेंज हो सकते हैं, ऑर्गन के फैट हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा ये चेंज हो सकती है कमिटमेंट भी। लेकिन जो सेल अपने फंक्शन के प्रति डिफरेंशिएट हो चुकी है, जो सेल पहले से डिटरमाइन हो चुकी है, डिटरमिनेट हो चुकी है, उनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये कैसे होते हैं, ये चेंजेस फिक्स फेट होते हैं। इनका फ्यूचर जो है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इनको किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया जाए, इनका पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होता है। एक्सटर्नल फैक्टर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पर जो इंटरनल जीन एक्सप्रेस्ड,
इसका जो फेट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इनकी जो जीन है वो एक्सप्रेस हो चुके हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप करने के लिए उनके जीन क्या है वो एक्सप्रेस हो चुके हैं, इसलिए इनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इनको चेंज करना इम्पॉसिबल है। इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो हो गया सो हो गया। दूसरी चीज इनडिटर्मिनेशन, कि किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी सेल ये फिक्स नहीं होता है कि वो सेल ये ऑर्गन जाके बनाएगी, ठीक है। नॉट फैट फिक्स, सेल का कोई भी फैट फिक्स नहीं है कि वो आगे जाके क्या बनाएगी, जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही वो ढल जाती है। ये कैसे होती है? इनडिटर्मिनेंट होती है, लाइक एज प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कोई भी सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होती है, मतलब अपन कहें डिटर्मिनेंट नहीं होती है। आप जैसे किसी भी सेल्स को आप उठाओ, किसी भी सेल को आप ले लो और वहां से उसको कंप्लीट प्लांट बनाने की क्षमता उसमें पाई जाती है। इसका मतलब प्लांट की प्रत्येक सेल में कैसी होती है? टोटिपोटेंट होती है। प्रत्येक सेल से क्या बनाया सकता है? प्लांट, कंप्लीट प्लांट बनाया जा सकता है। इसलिए प्लांट के केस में इनडिटर्मिनेंट कंडीशन देखने को मिलती है। यहां पर कोई भी फैट फिक्स नहीं होता है कि आप ये सेल हटा दोगे तो इन फ्यूचर जाके वहां से वो ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, जबकि डिटर्मिनेंट की कंडीशन ऐसी है कि अगर आपने ये स्पेसिफिक सेल हटा दी तो इन फ्यूचर बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो है वहां पर वो ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन जो डेवलप होने वाला था वो किसी विशेष सेल से होने वाला था और वो सेल आपने वहां से रिमूव कर दी। इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो सेल हो चुकी है, अगर आप उसको छेड़छाड़ करोगे, उसके साथ कुछ भी चेंज करोगे, तो आने वाले जो फैट है, आने वाला जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में हमेशा चेंजेस देखने को मिलेंगे। या तो वो ऑर्गन विलुप्त हो जाएगा या ऑर्गन की जगह कुछ मिस कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर कमिटमेंट है उस कंडीशन में थोड़ा सा रिवर्स पॉसिबल है, स्पेसिफिकेशन में भी पॉसिबल होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियोलॉजी या फिर अपन बात करें डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं उनकी अपन बात कर रहे थे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में एक टर्म वो बता दूं कि डिटर्मिनेंट जो हो चुकी है पर्टिकुलर, या फिर डिफरेंशिएशन के अंदर अपन बात करें तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि सभी सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन का रोल प्ले करते हैं। जैसे अपन बात करें हेयर फॉलिकल सेल्स, हेयर फॉलिकल सेल्स जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के प्रति डेवलप होती है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, इसमें केराटिन प्रोटीन एक्सप्रेस होने लगती है। केराटिन प्रोटीन बनाने का जो फंक्शन है वो किसमें पाया जाता है? हेयर फॉलिकल सेल्स में पाया जाता है। ये एक एग्जांपल था जो मैं बता रहा हूँ कि हेयर फॉलिकल्स में जो हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये सेल क्या है, अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक है। और कोई भी सेल दूसरी है वो हेयर का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, हेयर का फॉर्मेशन वो ही कर सकती है जहां पर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो मैं आज सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। इसी प्रकार से अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए मैं बता दूँ, खासतौर से जो भी एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंस से या फिर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐप है कंसेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डाउनलोड करने के बाद में आपकी जो टेस्ट फ्री सीरीज है, टेस्ट की जो फ्री सीरीज है वो मैंने कर रखी है स्टार्ट, तो वो आप डेली ज्वाइन कीजिए और अपना जो रिजल्ट है वो चेक कीजिए। और एमपी स्टूडेंट्स खासतौर से जो भी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। आपकी 5 टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है केवल 50 रुपये में, पर आपकी 10 रुपये की एक टेस्ट सीरीज रहेगी, मिनिमम प्राइस पर रखी है मैंने। आप अपना टेस्ट है वो उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, टेस्ट डेली टेस्ट दें और वो अपना रिजल्ट है आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।